तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है। ये यहाँ पे लॉन्चिंग का काम चलने वाला है, गिर्डर का लॉन्चिंग गिर्डर। ये आप देख सकते हैं, गैंट्री बोलते हैं इसे, बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में OHLG, मतलब ओवर होस्ट लॉन्चिंग गिर्डर, ओवर हेडेड लॉन्चिंग गिर्डर बोलते हैं। और ये देख लीजिए, अभी हम इसके ऊपर जा रहे हैं अंदर में, और इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, क्या क्या सपोर्ट्स हैं, उसके पार्ट वाइज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे, पूरा विजिट कराएंगे। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। ये ऑपरेटर है, स्टार्ट करने जा रहा है मैन लिफ्टर को। हाय करो ऑपरेटर, इधर ध्यान दो। हाँ, पूरा सिग्नल को ध्यान देना। दो लोग जा सकते हैं एक बार, बस दो लोग जा सकते हैं हमेशा, ध्यान रखिए। तो मैन लिफ्टर बिजी था, दो लोग पहले से सेफ्टी बेल्ट पहन के रखे थे ऑलरेडी, तो वो लोग जा रहे थे, तो हमें वेट करना पड़ा और हम लोगों ने वेट किया। तो ये बहुत ही धीमा धीमा जा रहा था, जो कि सेफ तरीका है। अच्छे से ऑपरेटर जो है, लग रहा था एक्सपीरियंस ऑपरेटर है, बहुत ही धीरे से आराम से ले गया। मैंने वीडियो को फास्ट कर रखा है, लेकिन वो फास्ट तरीके से नहीं ले जा रहा है। आप मेन लिफ्टर पे जब भी आने जाने का कार्य करते हैं या आते जाते हैं, तो हमेशा फुल बॉडी हार्नेस पहन के रखें और उसे कनेक्शन करके या एंकरिंग करके ज़रूर रखें, ताकि कभी भी इसका एंगल चेंज हो जाता है या गलती बाई मिस्टेक कोई स्विच हो जाता है जो टपल कर सकता है, तो आप उसे हैंग हो जाएंगे। स्टार्ट करो। अभी हम ऊपर उठ रहे हैं। ये जो बंदा है अमरजीत, इसका नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार। हाइट से थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन फोबिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। डर सबको लगता है, पर डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, ये झटका क्यों दे रहा है यार? ये हल्का हल्का झटका दे रहा है ऊपर, कभी देखिए। पूरा लोकेशन देख सकते हैं आप, ऐसा वीडियो कोई नहीं बनाएगा। बस डर है कंपनी ने, एलएनटी के तरफ से कोई कंप्लेन ना आए वीडियो पे। बस हम पहुंचने वाले हैं, यही थ्रेडिंग क्या बोलते हैं इसे, मैकलॉय बॉर बोलते हैं, जो सरिया है ये, इसी पे सेगमेंट हैंगिंग रहेगा कॉन्सेंट्रेटली। इसको मूव कैसे कहते हैं, जैक लगा होता है ना अंदर में, जैक से मूव करेंगे। अच्छा, ये यार झटका क्यों दे रहा है ऐसा? ये ऊपर आते ही झटका लगने लगा, देख लीजिए कितना ऊपर आ चुके हैं हम। कितना मीटर होगा, कम से कम 40 मीटर होगा, इतना होगा और ही होगा। 40 मीटर आ गए हैं, झटका दे रहा है थोड़ा सा। झटका दे रहा है, डर सा लग रहा है इस पे। मेरा तो ऐसा धक धक हो रहा है। आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं। पहले मैं ही जाऊंगा ना, उसको सिग्नल देना और ऊपर करने के लिए। उसको रोकने के लिए बोलना, टच ना हो जाए इसमें, इसमें टच भी हो सकता है ना। उसको और ऊपर थोड़ा सा लेने के लिए बोलो, ऊपर और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, और ऊपर करे, थोड़ा और ऊपर उसको बोलो लेने के लिए। ये हम आ चुके हैं एकदम टॉप पे। ये थोड़ा सा उधर लो, बोल दो, ये हिट हो रहा है इस पे, टच हो रहा है, खोलेगा नहीं ना, नहीं चलेगा। ठीक है, ये पकड़ो इसको, मैं खोल रहा हूँ, ऐसे पकड़ो, ऐसे देखना दबे ना कोई बेटा। मैं गलती खुद कर रहा था गाइस। देखो, सबसे पहले इसमें क्या करना है, एंकरिंग करनी है, फिर जाके हमें क्या करना है, उस साइड में जानी है, बस क्रॉस करनी है। अरे वॉकी, ये वॉकी टॉकी हम लेके आ रखे हैं इमरजेंसी में कोई। करना है कैसे, देखो भाई, एंकरिंग आराम आराम से करना है इस पे। कभी भी आना जाना है, हमेशा सबसे पहले एंकरिंग करनी है। आराम से आओ। अभी एक्सेस सही नहीं था, तो गाइज़ हम मेन लिफ्ट का यूज़ किए हैं,
इससे क्या होता है, ये थोड़ा फास्ट होता है सर्विस, ये थोड़ा सेक कर रहा है, हिल रहा है, तो अंदर डर तो बना ही रहेगा। देख सकते हैं नीचे का नज़ारा, कितना ऊपर हम आ चुके हैं, ये क्रेन कितनी छोटी सी लग रही है, मैन लिफ्टिंग। ठीक है, ओके, डन डन, काउंट कर ले भाई, थैंक यू। तो गाइज हम आ चुके हैं, ये लॉन्चिंग गेडर के सबसे ऊपर आ चुके हैं, और हम इसके पूरे जो है साइड का क्या बोलते हैं, ये लॉन्चिंग गेडर का हम पूरा आपको वीडियो दिखाएंगे, कहाँ पे क्या है देखते हैं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। इसको देखाओ, और जो अपना भाई इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन कौन आप है ना, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन आप हो ना, वो इलेक्ट्रीशियन, और आप क्या हो, आप रिगर हो, ओके चलो अच्छे से काम करना, सेफ्टी फर्स्ट होना चाहिए, ये नाइट के लिए लाइट लगा रखा है हम लोगों ने। इसे मेन गेडर बोलते हैं गाइस, मेन गेडर इसी को बोलते हैं, यहाँ पे वो जो आप देख रहे हैं वो है डीजी, डीजी मतलब डीजी मीन्स डीजल जनरेटर, वहाँ पे हमारे एक इलेक्ट्रीशियन पहुँच चुके हैं और एक सुपरवाइजर जो है, ओके दूसरा कौन सा है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एक इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल है, इस पे से चल सकते हैं, इस पे लगा के रखे हैं पीडी बॉक्स, इसलिए नहीं चल सकते। ये क्या ट्रैक है ये ना, हाँ ये ट्रैक है ना, इस पे मतलब मूव करेगा, हाँ जो क्रेन है इस पे क्रेन शिफ्ट की जाएगी, जहाँ पे देख सकते हैं यही क्रेन है, वो जो आप देख रहे हैं, सॉरी बताना भूल गया, वो क्रेन है, और चलो उसके पास में बाद में उस पर डिस्कस करेंगे, पास जाके तो क्या गैस कटिंग का काम चला ना यहाँ पे। ये ज्वाइंट देखो मैच नहीं है, अपना भविष्य वाला इंजीनियर है ये, तो मैकेनिकल से हो ना, हाँ किससे हो, मैकेनिकल से हो, चलो ठीक है। इलेक्ट्रीशियन कौन है आप, है ना इलेक्ट्रीशियन, और अरे क्या हाल है, और तुम क्या हो, अच्छा मैकेनिकल हो ना, चलो ठीक है ठीक है, ओके हाँ हाँ हाँ, देसी सफारी, ये आने जाने का रास्ता ये है ना यहाँ से, देखिए यहाँ पे जब भी आएंगे जाएंगे वन बाय वन करके कनेक्शन करके जाना है, हो सकता है हम भी उतरेंगे नीचे, उतर सकते हैं ना नीचे, चलो उतरेंगे अभी। ये है डीजी डीजल जनरेटर, यहीं से पावर दी जाएगी क्रेन को, और ये केबल का काम अभी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। डीजल का टैंक ऑलरेडी रखा हुआ है, केबल्स हैं सारे, ये देखते हैं यहाँ पे फायर सिलेंडर नहीं दिख रहा है, फायर सिलेंडर है कि नहीं, यहाँ पे फायर सिलेंडर नहीं रखा है क्या, अभी फायर सिलेंडर नहीं है, ठीक है मैं देखता हूँ थोड़ा, मैं अभी रखना है, चलिए ठीक है, अभी काम चल रहा है तो फायर सिलेंडर यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीजल है, फ्लेमेबल चीज़ें हैं, तो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं क्या कि आग पकड़ सकती है यहाँ से, और ये केबल है, मेन केबल पावर केबल यही है, इसी केबल के थ्रू ये पावर जाएगा ना, यही केबल है ना, अर्थिंग नहीं नहीं, ये मोटा वाला, ये कौन सा केबल इसको बोलेंगे, एक तो आता है आपका क्या बोलते हैं वो, ये फ्लेक्सिबल, इसको ये बोलता, इसमें रबड़ का वो लगा ना कोटिंग, एक आता है आर्मर्ड केबल, ये कौन सा केबल है, ये फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल केबल है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल है, अच्छा यहाँ से भी एक्सेस दिया गया है गाइस, और ये जो अर्थिंग है, ये तीन अर्थिंग का क्या यह है, ये सिस्टम दो बॉडी अर्थिंग होता है, दो बॉडी अर्थिंग, हाँ अच्छा, एक न्यूट्रल के साथ ग्राउंड होता है, अच्छा एक न्यूट्रल के साथ ग्राउंड जमीन के अंदर, हाँ। अच्छा अच्छा, और एक बॉडी के साथ, वो भी तो बॉडी वाला भी तो ग्राउंड में जाएगा ना, हाँ अच्छा, लेकिन तीन चाहिए, अच्छा ये केबल यही सही रहेगा कि ऊपर भी रहेगा, नहीं सर ये हाँ ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो केबल कट सकती है दब के फिर करंट, हाँ ऊपर ऊपर करके ऊपर से बांध देगा, पता ना अपना प्लास्टिक का एक वॉकी टॉकी से कोई बोल रहा है क्या, कनेक्शन आ रहे हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं, सारे लाइट जल क्यों रहे हैं अभी, ये डे वाले लाइट क्यों जल रहे हैं,
लाइट क्यों जल रहे हैं? लाइट जल रहे हैं, पकड़े रखो, दबे ना कोई बटन ना दबे, आराम से आना, देखना केवल यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जानते हो क्या, चलते समय कोई चीज फंसे ना, जैसे कि ये मान लो यहाँ पे ब्रेक के जा रहा है, अभी फोन से बात कर रहा है, क्या ये लड़ सकता है? ये लाइट अपना बंद कर देना भाई, ये जो केबल बांधा है ये एकदम गलत है, देखो देखो, हाँ जी ये केबल जो बांधे गलत है, वायर से नहीं, ये केबल क्या हो सकती है, लॉन्ग टाइम अगर भूल गए तो क्या कट जाएगी, ये पूरा ये केबल के थ्रू क्या पाइप में ये पूरा करंट बॉडी में चला जाएगा, और ये करंट किसी को भी नहीं है जानलेवा हो सकता है। सुनिए इलेक्ट्रिशियन साहब, ये केबल ऐसे नहीं होना है, या तो प्लास्टिक की टाई मार सकते हो आप, टाई जानते हैं ना, टाई प्लास्टिक वाली, उससे मार सकते हैं, इससे मत कीजिए, प्लास्टिक की टाई लगाओ, इसमें मंगाए हैं सर, लगाओ इसमें, नहीं भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, हवा चलेगा अभी क्या हुआ, हवा चलेगा घिसने का चांस रहेगा, सारे केबल लगा रखे हैं, सारे को चेंज कीजिए, ये गलत है, एकदम गलत, क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे ना काम के प्रेशर में, फिर दिक्कत हो जाएगी, टाई से मार दीजिए इसको, टाई बांध देंगे नहीं तो सर रास्ता से बांध देंगे। ये गाइस आपका मेन क्रेन जिसे बोलेंगे, ये है आपका ट्रॉली है, ये पहिया है जो देख सकते हैं, जैसे रेल की पटरी होती है इसी इसकी पटरी लगी हुई है, और ये इमरजेंसी स्विच, यही है ना इमरजेंसी, इमरजेंसी स्विच क्यों, इमरजेंसी स्विच यही है, दिखाओ इमरजेंसी स्विच, दिखाओ इधर उधर भी तो होगी ना, चारों तरफ होगी ना, चारों तरफ है ये, चारों तरफ इमरजेंसी स्विच लगी होगी, सेंसर्स कहाँ लगे हैं, सेंसर्स सेंसर भी लगा रहे हैं, अभी लगा रहे हैं, अभी वो भाई साहब सेंसर लगाने का काम कर रहे हैं, क्या नाम है आपका, हमारा एमडी मंसूर आलम, अच्छा आपका वहीं पे किया था ना इंडक्शन मैंने, अच्छा ठीक है, एमडी मंसूर आलम जी हैं, यही सब इलेक्ट्रिक, अभी पूरा काम चल रहा है, मेंटेनेंस में काम चल रहा है ना, ठीक है ऊपर आ सकते हैं क्या, आइए ना, चलो ऊपर चलते हैं, सेंसर के लिए वायर हाँ। हाँ। ये मेरा पार्टनर आज का है, बहुत हेल्प कर रहा है, अगर ये नहीं होता बेचारा तो हमारा वीडियो नहीं बन पाता, आ जाओ ठीक है, ये केबल है, यही कनेक्शन हो गया क्या, अच्छा ये केबल कल रखे हैं, कनेक्शन होंगे, पकड़ो पकड़ो, ये क्या है, ये पैनल्स हैं ना सारे, ये सारे मोटर्स हैं, ये सारे मोटर्स हैं, और उसको क्या बोलेंगे, विंच मतलब इतना हैवी क्रेन जो है कितना टन उठाएगा, समथिंग 130 इसका मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, 130 टन मैक्सिमम कैपेसिटी है, सोचो उसको उठा के ये ब्रेक करेगा, इसके ब्रेक लगे हैं, एक ही पे लगा कि दोनों साइड में लगा है, दोनों साइड में इसको ब्रेक दबाएगा, इसे डिस्क ब्रेक बोलते हैं आप लोग, और ये मोटर्स हैं, ये किसके हैं, LTCRD मोटर है, LTCRD मोटर, ये क्या क्या होता है, इसको चलाएगा, हाँ, रोप रिबिंग के लिए, रोप रिबिंग केबल रिबिंग के लिए, केबल रिबिंग के लिए काम करेगा, इसको क्या बोलते हैं, ये गार्ड रोलर बोलते हैं, बताओ सॉरी इसको CRD बोलते हैं, नीचे गार्ड रोलर लगी हुई है, गार्ड रोलर लगा उसको, CRD का मतलब CRD मतलब केबल जो अपना पूरा रिबिंग केबल को वो रिबिंग, हाँ केबल रिबिंग ड्रम, हाँ केबल रिबिंग ड्रम बोलेंगे इसको, CRD बोलेंगे, और ये देखिए केबल ट्रे है, इसके थ्रू केबल सारे जा रही हैं एक एक करके, और केबल का पूरा ड्रेसिंग करेंगे हमारे इलेक्ट्रीशियन साहब हैं, वो अभी लगा रहे हैं केबल से, वो लगा रहे हैं, चलिए काफ़ी अच्छा चीज़ है, जगह है पूरा सही, ये आपका थ्रस्टर है, ये भी थ्रस्टर ब्रेक है, अच्छा ये थ्रस्टर ब्रेक मतलब, ये इनका मोटर का जो ब्रेक होता है ये सेकंड ब्रेक है, सेकंड ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक इसके अंदर है, फर्स्ट ब्रेक इसके अंदर, ये किसको रोकेगा, पूरे ड्रम को रोकेगा, हाँ ड्रम को ये भी रोकता है और ये भी रोकता है, तो पहले अच्छा ये ड्रम, उस ड्रम को कौन पहले ये रोकेगा, उस ड्रम को उधर वाले से रोकेगा, उसे से रोकेगा, ये कौन सा, अच्छा छोटा वाला हुक के लिए है क्या, दो हुक रहता है ना, नहीं ये वाला, दो ड्रम है ना लगी हुई, अच्छा एक तो इस तरफ है एक उस तरफ है, हाँ तो ये दोनों, ये थ्रस्टर इस तरफ का है, ये ड्रम का, अच्छा वाला वो है, अच्छा एक ड्रम का इस वाला हो गया, हाँ। और इसका वाला ये हो गया ड्रम का, मतलब दो ड्रम का अलग अलग मोटर है और अलग ब्रेक है, और हाँ। मोटर के भी अलग से ब्रेक है, हाँ। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये अपना जो है नीचे जो हुक सॉरी लोअर ब्लॉक है ना, उसका रोटेट के लिए जो है ये रोटेट CRD वाला है, ये हाँ अच्छा ये भी CRD है, अच्छा केबल को ही मतलब रोटेट ये करेगा, ड्रम करेगा, बाकी तो विंच है ये देख सकते हैं आप, और ऊपर जो देख रहे हैं आप एनेमोमीटर लगा हुआ जो नाच रही है ना चम्मच, इसी को एनेमोमीटर बोलते हैं, ये हवा का स्पीड बताता है, विंड स्पीड, वो
कितना सेफ स्पीड, सेफ स्पीड कितना होना चाहिए किलोमीटर में? 30 के अंदर होता है ना, 30 के 20 के अंदर, 30-20 में ज़्यादा ही है, 20 के अंदर होता है ना, हाँ 20 के अंदर होना चाहिए लिफ्टिंग का। 20-25 होगा ना। आप लोग पैदल ही जा रहे हैं क्या ऐसे नीचे से? नीचे से जा रहे हैं क्या आप? लिफ्ट से। अच्छा, तो बोला सीढ़ी नहीं सही है, सीढ़ी सही है कि नहीं? हाँ। आपका नाम? पूजित राय। पूजित राय, देखिए वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं कंपनी क्या करेगी इसके बाद। बना रहे हैं वैसे, देखते हैं डालते हैं यूट्यूब पे, डालते हैं हमारा चैनल भी है ना, अभी थोड़ा ये बेसिक नॉलेज के लिए बस इसे डाल रहे हैं, पहली बार आए थे इस पे। तो उतर सकते हैं इधर से क्या? उतर सकते हैं, इधर से उतर सकते हैं। ऑयल है, थोड़ा स्लिप का चांसेस है। देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक जैक है ना ये? हाँ। ये कौन सा जैक इसको बोलेंगे? सीटी, सीटी मंस, ये वाला ट्रॉली को आगे पीछे करने। अच्छा, ये ट्रॉली को मतलब एडजस्ट करेगा, आगे पीछे करेगा। ये इसका जैक है, ये हाइड्रोलिक जैक है, इसके सारे वॉल्व पाइप लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और सारे भी बंदे आ रहे हैं, अभी इधर का मेंटेनेंस का काम चल ही रहा है पूरा। हम इन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए बस अपना थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करके चले जाएंगे। ये देखो, ये ड्रेसिंग हो रही है, सारी केबल ट्रे में ये ड्रेसिंग हो रखी है। यहाँ का ये नज़ारा है, ये है सारी पीएस देख रहे हैं आपको, इसी पे सारी सेगमेंट को हम रखेंगे, सेगमेंट का स्पैन पूरा जाएगा और उसके बाद बुलेट ट्रेन इसी पे ही दौड़ेगी। एक एक बंदे हर एक अपना जिम्मेदारी निभाते हुए, इसमें सारे बंदे बहुत ही मेहनती हैं यहाँ पे। ये अमरजीत भी बहुत मेहनती आदमी है, ठीक है, इसे पकड़ के रखो इसे। अभी क्या करें, नीचे चलें? आ जाओ इधर से नीचे आप, ठीक है, हमने देख लिया, इधर से नीचे उतरेंगे। थोड़ा संभल के आना जाना पड़ेगा भैया। हेलो, मैं लाइफ में फर्स्ट बार यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं बुलाएं आप? हाँ। लगता है वो अपना अमरजीत को ले लेंगे आज। मेंटेनेंस का काम चल रहा है यहाँ पे, तो हम डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते और अपने सेफ तरीके से वीडियो भी बनानी है। देख सकते हैं ये ट्रैक, ये इसका एक्सेस चारों तरफ से दिया गया है, चारों तरफ से बंदे आ जा सकते हैं। और यहाँ पे कटिंग किया गया है, शायद हो सकता है केबल के लिए कटिंग किया गया है, केबल्स आएंगी जाएंगी और ये एक्सेस के लिए हैं। कोशिश करेंगे इसके थ्रू ही जाने के लिए, जाने में तो बड़ा रिस्की है, देख सकते हैं, जाने में तो बड़ा डर लग रहा है देखने में, लेकिन बेल्ट एंकरिंग करके ही जानी है। हमें जाने से पहले क्या करना है, पहले बेल्ट एंकरिंग कर देनी है, फिर वहाँ से आगे प्रोसीजर करना है। आ जाओ ना, ये कौन सा बताया तुमने, कौन सा ये काम चल रहा है, ये कौन वाले काम कर रहे हैं? बीएनडब के है ना वो, एलएनटी बीएनडब, बीएनडब एलएनटी बीएनडब के हैं ये, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का जो काम कर रहा है, एलएनटी का ये भी है। यहाँ पे जो हमारी बुलेट ट्रेन आएगी, मेंटेनेंस का काम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ये लोग अपने में डिस्कस कर रहे हैं क्या काम करना है, सारे बंदे मेहनत का कंटिन्यू यहाँ पे मेहनत चल रही है, दिन रात कम करके काम किया जा रहा है यहाँ पे। अभी धूप बहुत तेज़ होने वाली है, तो सोच के ही बड़ा वो लगता है कि यहाँ पे सारे बंदे इतने मेहनत करते हैं, अभी गर्मी भी बहुत तेज से होने वाली है। अभी मैं उतर के आया, इसके बाद ये उतरा है, कैसा लगा उतने? डर लग रहा था, डर लग रहा था क्योंकि ऐसा हाइट ही कैसा है, अगर क्या है कि इससे एक बंदा बाहर गिरेगा तो सीधे इधर आएगा, ये नीचे आएगा। अगर थोड़ी सी भी गलती की, अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया तो ये डायरेक्ट बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा, फिर ये पूरा पृथ्वी की बाउंड्री से बाहर चला जाएगा कोई भी बंदा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा, अभी ये काम चल रहा है, मेंटेनेंस का पैर फंस सकता है, ये सारे केबल्स हैं, तो अभी मेंटेनेंस का काम चलता है, वही बंदा जाएगा जो प्रॉपर इससे एक्सपीरियंस है कि यहाँ कहीं भी केबल पड़ सकती है, पैर फंसेगा तो गिर सकता है।
अभी देखिए यहाँ पे सॉफ्ट खुला हुआ है, ये भी उतरने के लिए ही है। और ये बीच का पार्ट है, इसको देख लीजिए, इधर से थोड़ा डार्क आ रहा है। अंदर का दिखा देते हैं, ये जो पाइप दिख रहे हैं देखिए, इसके अंदर को हम दिखाते हैं। ये हुआ आपका अंदर का सीन, इसके अंदर से सारे क्या लगा है, इसमें कुछ लगाया गया और नहीं, नहीं, अच्छा ये जो रॉड्स लगे हैं ना, लेकिन जैक कहाँ है, जैक तो दिख ही नहीं रहा है। ऊपर में लगेगा ना, जैक ऊपर में नहीं, नहीं वो फिक्स रहेगा ना, वो ऐसे ही रहेगा, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, इसके फिक्स, लेकिन इसको भी एडजस्ट करेंगे ना, सीमेंट इसमें नीचे से लगेगा, उठाएगा, कचट करेगा, मूव करेगा, मूव करके जगह जो रॉड का है थोड़ा बहुत एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्ट करेंगे अभी जब लगाएंगे सीमेंट तब एडजस्ट। अच्छा इसमें लगेंगे कुछ और भी, चलिए ठीक है। अभी फिर हम नीचे ही जा रहे हैं, अभी ये सारे क्रेन्स मूव कर रहे हैं, ये हाइड्रा सारे चीज़ हैं नीचे लगे हुए, सारे इंजीनियर पे काम पे हैं, ड्यूटी पे हैं। हम भी चलते हैं वन बाय वन फंसाते हुए। ओ वाकी टाकी कौन लिया, आवाज़ आ रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, कौन बोल रहा है, बोल कौन रहा, आवाज़ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन है, कोई वॉकी टॉकी संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। B11 क्या बोल रहे हैं, पाजी है वही लग रहा है, पाजी लग रहा है, किसी से बात कर रहे हैं। देखो गाइस ये है वॉकी टॉकी, इसको दबा के हम बोलेंगे तो वो आवाज़ सुन लेंगे हमारी, बाकी चैनल इस पर सेट कर सकते हैं कितना चैनल पर है ये। इसका रेंज कितना है, कितना किलोमीटर का, कुछ तो होगा ना, होगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हाँ, 2 किलोमीटर का रेंज होगा इसका कम से कम। कौन से कंपनी का है, स्पेस कंपनी का है, सर्टिफाइड कंपनी का है। ठीक है अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे। भैया चढ़ने उतरने का काम तो यार हिम्मत चाहिए सच में, मैं तो चढ़ जाऊँगा उतर जाऊँगा नहीं नहीं हिम्मत चाहिए, मतलब जैसे कि क्या है कि देखो थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ेगा ना बंदा नीचे जाएगा, नीचे जाने के चांसेज हैं, बाहर है एकदम सीधे नीचे जाएगा। आओ ना वीडियो ऐसा नहीं पोज हो जाए, चल रहा है ना सेकंड। अभी ये बंदा आ रहा है, आ जाओ आराम से, अभी सेफ्टी बेल्ट है तो डर नहीं लग रहा उतना, नहीं अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं होता तो ऐसा और लगता साला कि हाथ छूटा तो साथ छूटा जिंदगी से। ये जैक है ना, हाँ जैक ही तो है, इसका कैपेसिटी कितना है 200 टन, 300 mm ये भी जैक है गाइस, हाइड्रोलिक जैक है, इसका जो कैपेसिटी है 300 mm है जो उसका कैपेसिटी है, पर जैक का कैपेसिटी होता है ना 200 टन है, मतलब इसमें कितने सिलेंडर लगे हुए हैं, 1-4 सिलेंडर लगे हुए हैं, मतलब 200-204 4×8 पर ये 800 टन लेके दो लेग चलेंगे लेके। हम वन बाय वन उतरते आ रहे हैं, आप देख सकते हैं लोकेशन। फिर अभी यहाँ से कहाँ उतरना है, आगे जाके उतरना है ऐसे करके, यही एक रास्ता। अबे यहाँ से कहाँ उतरेंगे यार, उतरने वाला नहीं है क्या, अच्छा उधर है, अरे इधर से उतरने वाला नहीं, हम उधर से उतरेंगे, हमें लगा डायरेक्ट अंदर, अगर कोई आंधे में उतरे बाहर चले जाएगा बाउंड्री लाइन से। पकड़ो मैं उतरता हूँ पकड़ो। अरे वो लगा है ना, क्या अभी हुक लगाने वाला नहीं है इसमें, किसमें, किसी में, कोई दिक्कत नहीं, उतर जाएंगे, अच्छा चलेंगे ना, तुम पकड़ यहाँ पर रहो मैं चलता हूँ, करता हूँ अच्छा ठीक है। इस बार ये उतरेगा बंदा, ये देखिए कितना बड़ा गलती कर रहा था, ऐसे ही उतर रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है, बाई चांस अगर कम से कम कुछ तो फंसाएगा, अगर फंसा रहेगा तो कुछ तो बचेगा। आप भी जब भी चढ़े उतरे तो जल्दीबाजी के चक्कर में ये गलती ना करें, ये निकलेगा नहीं फिर भी, अब ये कनेक्शन नहीं किया ना, ये करेगा कि नहीं, ये वेल्डिंग करेगा कि क्या करेगा, हाँ क्या करेगा, इसको बांधेगा किसी चीज़ से, बांधेगा नहीं, बांधने पे तो नहीं चलेगा, या तो वेल्डिंग करना पड़ेगा, कोई फिक्स फास्टनर लगाना पड़ेगा अच्छे से क्वालिटी का, ठीक है उतरो कंधे पे ही रखना चाहिए सेफ्टी बेल्ट को इसे, ठीक है कोई बात नहीं, उतरते रहो, वन बाय वन चेंज करो,
यहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया है कोई, ये हिल रही है ना, हिल रहा है क्या ये? मेरा गाड़ी कहाँ गया यार, जो मुझे छोड़ के चला गया क्या वो? गाइस अब मेरी बारी उतरने की, तो हम उतर चुके हैं नीचे, ये पियर कैप पे हम हैं। बंदा सिग्नल ले रहा है तो उठाने के लिए हम आ चुके हैं। ये पियर कैप है गाइस, कंक्रीट का देख सकते हैं, ये पियर कैप है। ये क्या है, ये कोई जैक है? जैक है ये, इसे क्या बोलेंगे, बियरिंग से वो है ना, बियरिंग पैड जैक, बियरिंग जैक बोलेंगे इसको। कौन सा बियरिंग जैक? हाँ बियरिंग जैक है, मतलब ये कोई भी अगर शॉक जाएगा उसको क्या ये थोड़ा रिड्यूस करेगा, झटका ना लगे किसी भी चीज़ पे जिससे टूटने के चांसेस रहेंगे। ग्रॉटिंग कहाँ पे किया है? यहाँ पे ग्रॉटिंग किया। यहाँ पे क्या लगेगा अभी? यहाँ पर अभी इसका ये लगेगा ना, क्या ना बोलते, सपोर्ट थोड़ा लगेगा। हाँ रियर सपोर्ट, वो हाँ वो बार सपोर्ट जो आता है ना, बार सपोर्ट इसमें टाइट करके रखेगा, जेक रॉड आता है इसमें सपोर्ट लगेंगे। कितना ये 300x300 का है ना, 300x300 का है, और कितना मीटर है वो, 11 मीटर होता है ना, कितना अंदर में 11 मीटर का है, अंदर में ये 11 मीटर का होता है, 300x300 का होता है। इसे सपोर्ट देंगे जिसमें हाइड्रोलिक जैक भी लगा सकते हैं या थ्रेडिंग रॉड वाला जो जैक आता है वो, तो कौन सा देंगे मुझे तो नहीं मालूम। ये सारे ये हाइड्रोलिक पंप है जो ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये जैक लगे हुए हैं, सिलेंडर मैंने दिखाया ना उसका, ये यहीं से हाइड्रोलिक पंप यहीं से ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट यहीं से करेंगे ना, इसको यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे, यहाँ से इसका है, यहाँ से दबाएंगे तो इसको रिमूव होगा आगे पीछे। ये मीटर है अपना है, ये मीटर बताया कितना मीटर पे रखते हैं वैसे? मैक्सिमम मीटर इससे 200 पे रखते हैं, 200 पे रखते हैं इसको। हाँ और ये ब्लैक वाला क्या है? ब्लैक वाला दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। अच्छा, और ये ऑन हो जाएगा। अच्छा रेड वाले से ऑन होगा? अच्छा रेड वाले से ऑन होगा, ठीक है। अभी चलते हैं फिर, ये इसका फोल्डिंग ये टेम्पोररी बना रखा है, यही सेक होता है, इसमें हमारी जो धड़कने तेज़ हो जाएंगी थोड़ा, कैसे चलना है, सेफ्टी बेल्ट लगा के ही जाएंगे वैसे। अच्छा ऐसे जाएंगे, सॉरी हम ऐसे रॉन्ग साइड से जाने वाले थे गाइस। इसने बताया कि इससे जाएंगे, अच्छा इससे भी अच्छा रास्ता है ये, सेफ्टी अपना थोड़ा, हाँ ये थोड़ा सेफ है, नेट्स लगे हुए हैं इस पर, इसे सेफ्टी नेट बोलते हैं जो लगा रखा है। ये एक स्टेयर केस का टाइप में है, इसमें रेलिंग लगी हुई, आराम से पकड़ के हम जा सकते हैं। आप भी स्टेयरिंग केस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने बात ये है, यहाँ पे स्टेयरिंग केस में कभी भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चढ़ रहे हैं फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे गलत चीज़ है, और ये ध्यान देना है इस पे। ये पकड़ो दो, तुम पकड़ो, कभी भी फ़ोन उतरते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, वो दिक्कत हो सकती है, जैसे कि हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें लड़ सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। ये सारे केबल्स हैं, लाइट यहाँ पे भी रात में भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए अभी रात में दिक्कत क्या है कि हाइलोजन लगना चाहिए, इसे लगा है ऑलरेडी, लगा है हाइलोजन, लगा देखा एक इधर में एक उधर। ओ अभी देखो लड़ भी गया, लड़ भी गया साला, हेलमेट नहीं होता तो लग जाता आज। जान मुझे नहीं आया, देखो यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे लगाने का रीजन क्या है यार, ऊपर लगा सकता था, मूव करेगा वो भाग जाएगा ना इधर उधर। अभी देखो यहाँ पे तो नहीं लगाया है, तो सब जगह नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऊपर लगा दिया ना, इसमें भी ऊपर लगा सकता था लेकिन नीचे रख दे रखा है। आ गए हम नीचे, आ गए अल्फा 1 0 0 ओवर फाइनली हम नीचे आ गए हैं गाइस, और ये था यहाँ का सफर, ये वीडियो था यहीं तक था गाइस, हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है, बस यहीं तक का वीडियो था, हमने आपको पूरा ये जो भी था हमने दिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।